हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन त्रिवेदी और हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट, जो कि इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे ब्रांचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सभी ब्रांचेस में यह एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है नेटवर्क थ्योरी। हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी के लिए, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आगे चल के भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क का मतलब होता है इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। देन कम्स नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी मतलब होता है नेटवर्क एनालिसिस। यू हैव टू लर्न अबाउट नेटवर्क एनालिसिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें एक गिवन नेटवर्क को एनालाइज करना है। मतलब इस तरह के हम मेथड सीखते हैं कि जिससे हम गिवन नेटवर्क के किसी भी एलिमेंट का करंट, वोल्टेज, पावर ये फाइंड कर सके। ये सब हम इस सब्जेक्ट में सीखते हैं नेटवर्क एनालिसिस में। सो स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा, नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिव डिवाइसेस के बारे में कि व्हाट आर एक्टिव डिवाइसेस। सो एक्टिव डिवाइसेस, विल लर्न अबाउट एक्टिव डिवाइसेस। क्या होते हैं एक्टिव डिवाइसेस? एक्टिव डिवाइसेस का मतलब नेटवर्क में वो एलिमेंट्स जो एनर्जी देते हैं नेटवर्क को, दोज एलिमेंट्स विच गिव्स आउट एनर्जी टू द नेटवर्क आर कॉल्ड एज एक्टिव डिवाइसेस और एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क। जैसे आपने सुना होगा वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है या कोई जनरेटर है, इसको हम बोल सकते हैं एक्टिव डिवाइस बिकॉज दे विल गिव आउट एनर्जी टू द नेटवर्क। अब इस एनर्जी का क्या होगा, जो दूसरे डिवाइसेस है वो इस एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज पैसिव डिवाइसेस। जैसे हो गया रजिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डिवाइस। तो जो भी सोर्स एनर्जी देता है ये पैसिव डिवाइसेस क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो हम पहले एक्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट मींस अबाउट द सोर्सेस। नाउ सोर्सेस में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, सोर्स का मतलब एलिमेंट विच गिव्स एनर्जी टू द नेटवर्क। इसमें पहला क्लासिफिकेशन है सोर्सेस का इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। नाउ इंडिपेंडेंट सोर्सेस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड। डिपेंडेंट सोर्सेस कॉल्ड एज कंट्रोल्ड सोर्सेस, अदर नेम फॉर दिस। नाउ फर्स्ट विल सी इंडिपेंडेंट सोर्सेस। नाउ व्हाट आर इंडिपेंडेंट सोर्सेस? अगेन वी हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेस। फर्स्ट वी हैव वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे कैन बी एसी और डीसी। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैन बी एसी और डीसी। बस यहां पे हमें इनका सिंबल्स वगैरह स्टडी करना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डीसी सोर्स को। नाउ डीसी वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। दिस इज वन ऑफ द सिंबल फॉर डीसी वोल्टेज सोर्स। अनदर सिंबल ये भी चल सकता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। इसमें पोलरिटी नहीं भी मार्क करेंगे तो हमें पता चलता है जो बड़ी प्लेट है वो इंडिकेट करती है पॉजिटिव और छोटी प्लेट इंडिकेट करती है नेगेटिव। नाउ वोल्टेज सोर्स है ये। मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास 5 वोल्ट का सोर्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सोर्स का जो टर्मिनल क्वांटिटी है, टर्मिनल क्वांटिटी मतलब सोर्स के आउटपुट टर्मिनल्स पे जो हमें मिलेगा, इसका टर्मिनल क्वांटिटी मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज, और वो वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। यू विल गेट 5 वोल्ट। और अगर ये डीसी है, जैसा कि जानते हो आप डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे विद टाइम तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 5 वोल्ट सिंस इट इज अ डीसी वोल्टेज सोर्स। सो दिस इज अबाउट डीसी वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। दीज आर द सिंबल्स एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स टर्मिनल वोल्टेज। तो इसमें हमने एक बार देखा कि ये जो इसका आउटपुट वोल्टेज, जैसे हमने बोल दिया 5 वोल्ट सोर्स, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा। मतलब ये किसी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 वोल्ट बोल दिया मतलब आउटपुट विल बी 5 वोल्ट ओनली। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क और एनी अदर वेरिएबल ऑफ द नेटवर्क, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट सोर्स और अनकंट्रोल्ड सोर्स। यही डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट सोर्स की, मतलब ऐसा सोर्स जिसकी टर्मिनल क्वांटिटी नेटवर्क के किसी और पैरामीटर पे या वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स। इसी में एसी वाला भी रहेगा फॉर्मेट, मतलब एसी वोल्टेज सोर्स। सिंबल ऐसा ही कुछ रहेगा, सिंबल
वैल्यू देख के हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपने को एक साइनोसाइडल वेव बताना है और लिखेंगे ऐसा वी ऑफ टी, क्योंकि एसी है, एसी का मतलब क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट मतलब एक साइन वेव दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसका वेवफॉर्म देखेंगे एसी सोर्स का तो इट विल बी लाइक दिस, साइनोसाइडली टाइम वेरिंग वेवफॉर्म। सो दिस इज सिंबल फॉर एसी सोर्स। अच्छा, इसमें कोई पोलैरिटी हमने नहीं बनाई है, नो पोलैरिटी इज इंडिकेटेड, बिकॉज एसी है या इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। पर जब हम एनालिसिस करते हैं तब हमें मानना पड़ता है कि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहे हैं, और हम इसको पोलैरिटी के अज्यूम करते हैं प्लस माइनस, बाकी इसका पोलैरिटी होता नहीं। यू कैन सी कंटिन्यूअसली अल्टरनेटिंग है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, बट एनालिसिस के समय कुछ हमें पोलैरिटी लगेंगी, और नहीं दिया है तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं अपर टर्मिनल पॉजिटिव, यानी मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है। सो दिस इज अबाउट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली वी हैव करंट सोर्स, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स थे, करंट सोर्स इज ऑल्सो देयर, वी हैव करंट सोर्स। करंट सोर्स में भी अपने पास अगेन दो है, एक तो डीसी करंट सोर्स और दूसरा रहेगा एसी करंट सोर्स। नाउ डीसी करंट सोर्स सिंबल कुछ ऐसे रहेंगे, सर्कल और अंदर में क्या रहेगा एरो, दिस इज इंडिकेशन फॉर करंट सोर्स, यू कैन राइट आई एम्पियर्स। अनदर सिंबल ये भी बहुत चलता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे, अंदर एरो बता देंगे। अगेन ये डीसी है तो करंट टाइम के साथ अगर ग्राफ बनाओगे तो एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा। मान लेता हूं मैं ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, आई एज्यूम दैट इट इज अ 5 एम्पियर करंट सोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके टर्मिनल्स पे अगर हम कुछ लोड लगाते हैं तो इससे जो करंट मिलेगा वो कितना रहेगा, 5 एम्पियर रहेगा, इट विल गिव अ 5 एम्पियर करंट। और टी के साथ अगर इसका ग्राफ बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 5 एम्पियर। दिस इज डीसी करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट डीसी करंट सोर्स। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो टर्मिनल क्वांटिटी है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी सर्किट के पैरामीटर पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सर्किट के कोई वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। इट विल गिव अ कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पीयर सिंस इट इज अ डीसी। देन वी हैव एसी, इसी में हम एसी देखते हैं, सिंबल ऐसा ही रहेगा, वैल्यू से हमें पता चलेगा सिंबल बिल्कुल यही है, बट वैल्यू कुछ टी के टर्म्स में दी होगी या मैग्नीट्यूड और एंगल दिया होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एसी करंट सोर्स है। वेवफॉर्म अगर बनाएंगे आई ऑफ टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज ग्राफ ऑफ आई ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो डेफिनेशन ध्यान में रखना इंडिपेंडेंट सोर्स का, इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है वो सोर्स जिसका टर्मिनल क्वांटिटी नेटवर्क के किसी पैरामीटर पे या किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स। उसमें अपने पास में डीसी है, एसी है, करंट सोर्स है डीसी और एसी, एंड दीज आर द वेरियस सिंबल्स फॉर दिस। नेक्स्ट विल सी डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस को कंट्रोल्ड सोर्स भी बोला जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन वी हैव डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्सेस ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड सोर्सेस। अब ये कंट्रोल्ड का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि इन सोर्सेस का जो टर्मिनल क्वांटिटी है वो नेटवर्क के किसी दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, या नेटवर्क में कोई ऐसा पैरामीटर होगा जो इसके टर्मिनल क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट सोर्स और कंट्रोल्ड सोर्स। सिंबॉलिकली कुछ ऐसा हो सकता है, ये दिस इज द सिंबॉल फॉर डिपेंडेंट सोर्स। वोल्टेज है या करंट अंदर क्या है ये बताएगा अपने को, जैसे हम प्लस माइनस लिख देते इसका मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स है, इट इज अ वोल्टेज सोर्स। वैल्यू इसकी इस तरह से हो सकती है, Vx इज इक्वल्स टू K1 टाइम्स I, Vx इज इक्वल टू K1 इनटू I। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना रहेगा, Vx रहेगा, टर्मिनल वोल्टेज इज Vx। और हमें यहां दिख रहा है इस इक्वेशन से कि ये Vx किस पे डिपेंड करेगा, I पे, मतलब आई जो है इट विल कंट्रोल द वैल्यू ऑफ वी एक्स। आई कौन है, आई यानी जो गिवन नेटवर्क है उसी में कहीं ना कहीं वो करंट रहेगा, किसी रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, वो दिया रहेगा प्रॉब्लम में। सो दिस आई इज करंट इन सम एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क, और वी एक्स जो है ये टोटली डिपेंड कर रहा है आई पे। अगर मान लो सर्किट में आई को हम जीरो कर देते हैं तो ये वी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट मीन वी एक्स डिपेंड्स ऑन आई। और हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि वी एक्स इज कंट्रोल्ड बाय आई, Vx is controlled by I। इसका मतलब I क्या हो गया, controlling parameter। I is controlling parameter for this voltage source। Therefore it is called as dependent। अच्छा, इसमें और एक variation ऐसा हो सकता है, और it can be like this also। K1 times V।
Vx इज इक्वल टू के वन टाइम्स वी। ये क्या बताता हमें कि Vx की वैल्यू आप किस पे डिपेंड करेंगी, V पे। V यानी अगेन नेटवर्क में किसी एलिमेंट का क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। सो Vx नाउ टोटली डिपेंड्स ऑन V। अगर V को जीरो कर दिया तो Vx भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर दिस V इज द कंट्रोलिंग पैरामीटर एंड दिस Vx इज कंट्रोल्ड बाय V। तो ये दो अपने पास में वेरिएशन है। सो ये था अपना कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, दिस वॉज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और अगर दोनों इक्वेशन देखते हैं तो इसमें हमें एक बात पता चलती है, एक हो गया यहाँ पे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये वाला इक्वेशन अगर देखोगे तो K1 into I, क्योंकि एक वोल्टेज सोर्स है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, या किससे कंट्रोल हो रहा है, करंट से, इसलिए हम इसको बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। दूसरा इक्वेशन अगर देखते हैं तो इसको हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, दैट मीन्स अ वोल्टेज सोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय सम वोल्टेज इन द नेटवर्क। सो दिस इज अबाउट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाउ करंट सोर्स ऐसा ही सिंबल रहेगा, सेम सिंबल विथ एरो इनसाइड, दिस इंडिकेट्स करंट। इक्वेशन ऐसे ही दो फॉर्म रहेंगे, आई एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू वी, आई एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू वी। क्या इंडिकेट करता है आप इक्वेशन देखोगे तो, कंट्रोल सोर्स के बारे में प्रॉब्लम में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस इक्वेशन से ही पता चलेगा आपको। सिंबल देख के आप बोल सकते हो करंट सोर्स है, सिंबल देख के हम बोल सकते हैं वोल्टेज सोर्स है, लेकिन कौन सा है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, इसके लिए आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी एक बार कि जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है वो वोल्टेज है या करंट है। वैसे यहाँ पे द कंट्रोलिंग पैरामीटर इज वोल्टेज, कंट्रोलिंग पैरामीटर इज वोल्टेज, और सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस करंट सोर्स का जो आउटपुट है आई एक्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे। अगेन वी कौन है, वी इज सम वोल्टेज इन द नेटवर्क, किसी भी एलिमेंट का वोल्टेज हो सकता है। अगर वी जीरो हो गया तो अपना सोर्स का करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स आई एक्स इज टोटली कंट्रोल्ड बाय वी, हेंस वी कैन से दैट वी इज द कंट्रोलिंग पैरामीटर। दूसरा इक्वेशन हो सकता है इसमें के वन वी, सेम वैसा ही ऊपर के जैसा वेरिएशन, के वन इंटू आई, के वन इंटू आई का मतलब अब तुम खुद ही समझ सकते हो क्या हो गया करके, तो कई लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि एक करंट सोर्स है जिसका वैल्यू किससे कंट्रोल कर रहे हैं हम, करंट से, अ करंट सोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय अ करंट, के वन इंटू आई। सो हियर आई इज द कंट्रोलिंग पैरामीटर। अगर आई को जीरो कर दिया तो अपना आई एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आई कौन है, अगेन नेटवर्क में किसी एलिमेंट का करंट होगा जो हमें बताया जाएगा। सो अगेन यहाँ पे ये जो सोर्स है हम इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल दिस एज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, दिस सोर्स इज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और इसमें अपने पास दो वेरिएशन आ गए, जैसा वोल्टेज सोर्स में आया था, वी हैव टू वेरिएशन, एक हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और दूसरा हो गया करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इस इक्वेशन को देते तो हम बोल सकते हैं कि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, और इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो हम बोलेंगे ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। सो दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट सोर्स यानी वो सोर्स जिसका टर्मिनल क्वांटिटी नेटवर्क के किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंट या अनकंट्रोल्ड सोर्स बोलते हैं। डिपेंडेंट सोर्स मतलब वो सोर्स जिसका टर्मिनल क्वांटिटी नेटवर्क के किसी दूसरे पैरामीटर पे या वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, हेंस दे आर कॉल्ड एज डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्सेज। और जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें वो कंट्रोलिंग पैरामीटर होगा। सो दीज आर द वेरियस सिंबल्स, ध्यान रखना है सिंबल हम नेटवर्क दिया रहेगा उसमें हमें पहले ये पहचानना पड़ता है कि कौन से सोर्सेज है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है, उस हिसाब से हम कई बार अपनी मेथड भी अप्लाई करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ दिस सिंबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेज।